इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए, मैंने कल स्टोरी लगाई थी कि किस किस को मेकअप बैग वीडियो चाहिए, तो इतने सारे आ गए यस यस यस। मैं जो मेकअप यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मेकअप बैग में कुछ न्यू लिया था, ब्राइडल मेकअप बैग में नहीं, ये वही सब चीजें हैं जो पहले से चलती आ रही है। ये था कि पहले मलाइका और मैं साथ थे और उसके बाद अब भी साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ट्रैवल करना है तो मुझे ट्रैवल के लिए किस तरह का मेकअप बैग चाहिए, मेकअप की कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रैवल करना है और मैं इस्लामाबाद ऑब्वियसली रुखसती होकर जा रही थी, तो इसलिए जो एक स्पेशल बैग सेट होता है वो मैंने अपना किया था। मेरे कुछ प्रोडक्ट्स अमान भी बाहर से लाए थे, मुझे नहीं पता उनमें से, क्योंकि आजकल चल रहा है फलस्तीन और इसराइल वाला, कुछ चीजों का बायकॉट है, इनमें से मुझे नहीं पता किसका बायकॉट है किसका नहीं। अगर आप लोग को कुछ पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं अब आप लोग को दिखाने लगी मेरा मेकअप बैग। मेरा जो ढोलकी का जो सेटअप है ना वो अभी तक रखा हुआ। ये ट्रे आई थी मेरे ससुराल से आई थी आई थिंक, नहीं वो वाली, हाँ ये वही है वही वही है। टिश्यू का बॉक्स भी था, लाइक मेहंदी पे वो लोग ये लेकर आए थे, बहुत ही प्यारी है। और ये रही मेरी ढोलक मानो माइक्रो, और ये है जी मेरा मेकअप बैग। मेकअप बैग है जो मेरे शादी के हर फंक्शंस में मेरे साथ के बगैर मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं था। मैं सैलून तो गई थी, लेकिन आपको पता है कि जो मेकअप खुद इंसान एक सेटिस्फेक्शन होती है, आपको नहीं आती, लेकिन सायरा आंटी ने मेरा मेकअप बहुत अच्छा किया था मेहंदी बारात का और मुझे बहुत 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 खूबसूरत लगा था। मैं आ गई थी, ऑब्वियसली पूरा दिन के शूट थे मेरे, मेरे मेहंदी का शूट सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ था, पहले मायो हल्दी का शूट करवाया था हमने, उसके बाद मेहंदी का शूट हुआ था रेगिस्तान टाइप, वहां जाके मेहंदी का शूट हुआ। ये सीन था कि मेकअप मैंने रिफ्रेश कर लिया था ब्राइडल रूम में, क्योंकि ये बैग मेरे पास था, इसमें हर चीज मौजूद थी, हाइलाइटर्स मेरे फेवरेट, इवन मेरे निकाह के टाइम पे मेरा मेकअप हो गया था खराब, क्योंकि मैं रोई थी, मेरे फेस पे एक लाइन पड़ गई थी और मैं इतनी अपसेट हो गई थी वहां पे कि यार अभी तक तो मैंने एंट्री भी नहीं की, ये क्या सीन हुआ कि मेरे मेकअप में लाइन पड़ गई है। मैं रोई थी, वो मेरी अपनी गलती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर अपना कंसीलर यूज किया जो कि वॉन दिस वे का, वो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो यूज किया और उसको डैप डैप किया, फेस पाउडर लगाया, लाइक ब्लशन वगैरह सब कुछ फ्रेश किया, हाईलाइटर, आईज मेकअप तो मेरा वैसे ही बेस्ट था ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और मुझे अपनी सारी लुक्स इतनी पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती, सब फेवरेट है मेरी। मेहंदी बरात वाली मां कोई ऐसी लुक नहीं है जो मेरी फेवरेट ना हो। बरात पे भी मैंने अपना मेकअप ब्राइडल रूम में आके फिर से सेट किया था, क्योंकि मैं 2 घंटे का ट्रेवल करके गई थी हवेली फॉर द शूट, एक वाइब चाहिए थी हवेली वाली ओल्ड वाइब, बस मैं उसके लिए ट्रेवल करके गई थी और फिर 7 बजे तो मैं पहुंची थी ब्राइडल रूम में पूरे 7 बजे, और अमान चले गए थे बारात के साथ आने के लिए और ठीक आधे घंटे बाद अमान बारात लेकर भी आ गए थे। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा, मेकअप बैग के बारे में बात करते हैं। और ये मैंने कहां से खरीदा था, ये आप देख रहे हैं, ये वो है जहां मैं इसको कहीं भी उठा के चली जाती हूं। अगर मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रही हूं और मैंने मेकअप नहीं किया तो मैं इसको उठाकर चल पड़ती हूं और मैं गाड़ी में कर लेती हूं, लाइक इतना ईजी है मेरे लिए, उठाऊंगी और चल पड़ूंगी। सबसे पहले ये बैग मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था, ये नाम लिखा हुआ है, यही इनका इंस्टा पेज है, इंस्टा पेज पे गई थी, वहां से वेबसाइट पे गई थी, ये मुझे अच्छा लग गया था तो मैंने ये ले लिया था। ये बैग मेरा मुझे इतना प्यारा है ना, आप लोगों को बता नहीं सकती। सबसे पहले इसका ये एक ऊपर वाला आता है, इसमें सारे रियल टेक्निक्स के ब्रशेज है, मेकअप ब्रशेज, और इसमें सारी मेरी लिपस्टिक्स है, आईब्रो जेल है, चीजें हैं, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में दिखाती हूं। मैं नीचे वाला खुलता है, इसमें भी आप लोगों को क्या दिखता है, मिरर, यहाँ पे एक और ब्रशेज दिखते हैं, उसके बाद आता है ये सारा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये यहाँ से खुला तो ये मैंने दिखाया है, ये रियल टेक्निक्स के सारे ब्रशेज आ गए। यहाँ पे आती है मेरी लिपस्टिक्स, ये है मेरी एसेंस की आईब्रो जेल, ये आईब्रो पे मैं यूज करती हूँ, इससे सीधी और बिल्कुल अच्छी हो जाती है। आती है इंगलॉट की काजल पेंसिल, मैंने अमान से मंगवाई थी और ये मेरी बारात पे मुझे बहुत काम आई थी, क्योंकि मुझे ब्लैक आइस करनी थी उसके साथ, तो ये मुझे बहुत काम आई थी, सैलून पे तो लगा दी थी लेकिन रात तक इसको गहरा करने के लिए मैंने ये यूज की। इसके रेट्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे जाके पूछ लीजिएगा। अच्छा ये मेरा मस्कारा है बी क्यूट का, ये मुझे बहुत पसंद है, एक बॉब का मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, एक बी क्यूट का मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। सो ये आती है मेरे पास लिपस्टिक, आपको 2 कलर्स दिखा देती हूँ मैं जो मैंने सबसे पहले लिए थे, ये है निशो खान, निशो खान जो यूट्यूबर भी है ब्लॉगर भी है उनके थे, खाइस बाय निशो खान, और मैंने 2 शेड्स लिए थे, एक ये रेड में था, मुझे मैंने रेड कभी नहीं लगाई थी तो मैंने रेड में एक शेड लिया था, उसके बाद एक मैंने ये लिया था, इसका नेम है नाजली। तो ये 2 लिपस्टिक्स मैंने सबसे पहले ली थी, बाद ये बहुत सारी लिपस्टिक हैं, व्हाइट पेंसिल आ जाती है, लाइनर आ जाता है, ये लाइनर बहुत कमाल है यार, ये लोकल है लेकिन लाइक मैंने यहाँ इधर शॉप से लिया था लेकिन ये कमाल की चीज है, इतनी अच्छी शेप बनती है ना, इससे मजा आ जाता है। पास एक कंसीलर रखा हुआ है जो कि है मेबलिन का, ये भी मुझे अच्छा लगता है और देखें यूज भी काफी हुआ है। ये मेबलिन का कंसीलर यहाँ पे वापस रख देते हैं। मेरे पास है ग्लॉस, ग्लॉस के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है ना, ऑल द टाइम ग्लॉस, ग्लॉस मुझे बहुत पसंद है। बाकी सारी लिप पेंसिल्स आती हैं, सारी आपको न्यूड शेड्स में मिलेंगी, मुझे जो है न्यूड कलर्स बहुत पसंद है। ब्राउन, ये वाली लिप पेंसिल मेरी फेवरेट है, बी क्यूट की है, ब्राउन इसका कोड आई थिंक, ये आप देख ही लें, मैंने तो शॉप से ली थी, उन्होंने भिजवाई थी मुझे यार,
ये ब्राउन पेंसिल है जिससे मैं मेरा लिप लाइनर इस पेंसिल के बगैर अधूरा है। जब मुझे लिप लाइनर लगाना है मैं ब्राउन लगाती हूँ ये वाला, उसके बाद कोई भी कलर की लिपस्टिक, मैं 3-4 कलर लिपस्टिक के मिक्स कर देती हूँ। इन सब चीजों को वापस कर रखते हैं, मैंने बहुत खराब कर लिया अपने बैग को। अब इसमें सारी लिपस्टिक है, आईब्रो जेल है, उसके बाद लाइनर है, मस्कारा है, पोर्शन में मैंने सारी पेंसिल सारा कुछ ये सब रखा हुआ। ये मेरा फेवरेट ब्रांड है लिपस्टिक में, ये है जी क्लेजोना, और एक बॉब भी आता है इसी में, और इसके जो शेड है ना 509 505, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। यहाँ पे सारे ब्रशेस सेट है, मुझे इनके प्राइस अब याद भी नहीं है सही से, आप पूछ सकते हैं जाके, पेजेस बने हुए हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे पेज हैं, आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं बाहर की वो दे देते हैं, और ये भी ब्रशेस ऐसा ही कोई सीन है। अच्छा ये जो दूसरा सेट है ब्रशेस का, इनका नेम भी मुझे नहीं याद क्योंकि ये मैंने लिए थे और फिर मैंने इसमें रख सेट करके रख दिए थे। अब मैं देखती हूँ, ये है पता नहीं ये इसी टाइप का कुछ है, ये मैंने एक पेज से मंगवाए थे। अच्छा ये मेरा फेवरेट ब्रश है, आईब्रोज इतने मजे की बनती हैं, आईब्रो इतनी कमाल बनती है। अच्छा यहाँ से जब ये खुलता है ना इस बैग का, ये मिरर आता है, ये मिरर में मैं आ रही हूँ, हेलो, ये मिरर आया। अच्छा यहाँ पे भी एक है, ये भी एक जगह बनी हुई है, इसमें आप रख सकते हो कुछ, मैंने कुछ नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरे ऑलरेडी ब्रशेज वगैरह इसमें, मैंने कुछ नहीं रखा हुआ। अच्छा ब्रशेज एक यहाँ पर आ गए, अब आता है ये पार्ट, ओ माय गॉड, ये है मेरा मेन और फेवरेट पार्ट। बाद मेरी आईब्रो पाउडर होते हैं, इसका शेड, और ये ऊपर पाउडर है, और फिर नीचे खुलती है तो नीचे क्रीम होती है। अगर मैं एक हाथ से खोल सकती हूँ तो मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ। ये है इसका क्रीम प्रोडक्ट, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ज़्यादातर मैं पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ऊपर आईब्रो जेल यूज़ कर लेती हूँ, आईब्रो जेल से काम मेरा अच्छा हो जाता है। अब मैं इसको बंद करूँ पहले। आज मलाइका और मैंने मेकअप किया था इसलिए मेरा मेकअप बैग थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है। ये मेकअप वाइप्स, जब मुझे मेकअप उतारना होता है तो ऑब्वियसली इनकी जरूरत पड़ती है, इसको मैंने यहाँ पे इसकी जगह बनाई हुई है। ये आता है मेरा मैक का फिक्सर, मैक प्रेप एंड प्राइम, मेरा फेवरेट है ये प्रेप प्लस प्राइम मैक का। ये अमान मेरा बाहर से ही लाए थे, ये मैंने उनको बोला था वहां से लाने के लिए, तो ये अमान वहीं से लाए थे। आ गए मेरी ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये मेरी फेवरेट है यार, ये है मॉइस्चराइजर है, और एज अ प्राइमर, एज अ बस आप समझ लें मॉइस्चराइजर प्राइमर सब चीजों का काम करती है। अगर आप ये लगा लेते हो तो आप लोगों को प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये भी अमान ही मेरी लाए थे क्योंकि ये यूके की है, यहाँ की नहीं है, इम्ब्रोलाइसिस यूके आई थिंक इसका यही नेम, आई डोंट नो, बस यही सी टाइप का नेम है। यहाँ भी मिल जाती है अगर इंटरनेशनल पेजेस जहाँ पर इसकी चीजें हैं वहां से शायद मिल जाए, और कभी कभी शॉर्ट भी हो जाती है। ये मैं लाजमी यूज कर लेती हूँ, ये तो मैंने अपने बरात मेहंदी वली में 3 दिन के मेकअप के नीचे भी मैंने यूज की थी प्रेप करने के लिए। उसके बाद मैंने एक और चीज ली थी, अगर वो मुझे यहाँ मिलती तो ओ यस, ये है ग्लो रेसिपी के वाटरमेलन ग्लो, जो दरमियान वाला साइज है वो आता है 12,000 का 13,000 का, वो मुझे मिला नहीं था कहीं पे, तो मुझे ये छोटा सा एक नजर आया था तो ये था 4,000 का शायद। तो पहले मैं ये यूज करती हूँ मेकअप से पहले, उसके बाद मैं ये यूज कर लेती हूँ, देन मैं अपना फाउंडेशन कंसीलर जो भी मुझे लगाना होता है। एक ग्लिटर रखा हुआ है, ये मेरा बहुत पहले का था लेकिन मैंने इसमें रख लिया था कि काम आ सकता है। अच्छा ये हो गया, ये एक शॉर्पनर भी रखा हुआ मैंने, अगर कभी जरूरत पड़े तो। सारी चीजों का वापस साथ साथ ना सेट कर देते हैं, यहाँ रखती होती हूँ मैं, ये मैंने आज यूज किया है तो ये नीचे चला गया, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, मॉइस्चराइजर को भी, और मेरा इधर गया ग्लो रेसिपी के ड्रॉप्स को भी। यार ये बड़े कमाल की चीज है, फेवरेट है मेरे, हर लुक में मैंने इसको अपनी यूज की है। ये आता है, ये है ओफ्रा का मिनी हाइलाइटर, इसका शेड है रोडियो ड्राइव, ये मुझे बहुत 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 अच्छा लग गया था एक पेज पे, ये मैंने वहां से मंगवाया था, ये आई थिंक था 4,000 का। ये है हाइलाइटर और इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त इसकी पिगमेंटेशन है, लाइक सी ओ वाओ, मुझे नहीं पता पता नहीं मेरी आंखें ब्लर हो रही है, आई डोंट नो आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं। चीजों को साथ साथ मैंने सेट कर दिया, ये अब बारी आती है पाउडर है इधर मेरे पास, ये मेरे पास कौन सा पाउडर है, मेरे वाला पाउडर नहीं है जिसको आप पहले एक टाइम में यूज करते थे, मेरे पास है लूज पाउडर, मैं ये यूज करती हूँ लौरा मर्सियर का, लेकिन मैं दूसरा भी लेने का सोच रही हूँ, उसको आई थिंक हम लोग पैनकेक पाउडर भी कहते हैं या पता नहीं। ये मैं बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं, 2-3 साल तो हो गए इसको यूज करते हुए, और ये कमाल की चीज है, ये तो मैं लाजमी मेरे बैग में होगा ऑल द टाइम। बात क्या आता है उसके बाद, आता है एल्फ का ELF हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर, ये फाउंडेशन से पहले लगता है, ये आपको बहुत प्यारी सी ग्लो देता है। सबसे पहले आप क्या लगा लेते हो, मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले मॉइस्चराइजर, ग्लो रेसिपी के ड्रॉप्स, उसके बाद आता है ये भी आई थिंक इसके प्राइस भी कोई 6,000-7,000 समथिंग है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग के माइंड में रहे। अच्छा ये भी मेरा अमान ही लाए थे, ये है बॉर्न दिस वे, बताया मैंने तो सारा कुछ, ऑब्वियसली बॉर्न दिस वे का कंसीलर है, कमाल का कंसीलर है, वेनिला शेड है इसका, बहुत ही आउट क्लास है। अपनी मेहंदी की बेस मैंने इससे सेट की थी, जो रोने की वजह से लाइन पड़ गई थी, सेट की थी और कमाल हो गया था मेकअप, जबरदस्त हो गया था। ये तो मेरा ऐसा कमाल का है ना, इसको तो यूज करके मजा आ जाता है, और इसके प्राइस भी ऐसे ही है 7,000 या 6,000 ऐसा ही कुछ है पाकिस्तानी। खोलने की ट्राई कर रही हूँ, खोल नहीं रही, ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। नार्स का ब्लश मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसका शेड क्या है यहाँ पे
लिक्विड ब्लश है नार्स का, अब शेड मुझे पता नहीं चल, लेकिन ये बहुत ही कमाल चीज है। लिक्विड ब्लश तो मेरे फेवरेट है, मैं लिक्विड ब्लश यूज करती हूँ, उसके ऊपर पाउडर हल्का सा कर लेती हूँ। तो ये नार्स का मेरा ब्लश है, ये मैंने यहीं से लिया था, ये एक पेज है जहां से इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स मिलती है, तो वहां से ले लेते हैं। ये भी ऐसा ही कुछ है, 7-8 हज़ार, ये प्रोडक्ट सारे इसी टाइप के। हुदा, इसका रेट आप लोगों को पता है 9 से 10, मोस्टली लोगों को पता होगा। हुदा ब्यूटी, ये तो मेरी फेवरेट हो गई ना, ब्रांड तो मेरा फेवरेट है। मैं तो ये हुदा ब्यूटी की है, इसका शेड है मिल्क शेक। मैं क्या करती हूँ इसको और इस कंसीलर को ऑफ करती हूँ और कमाल हो जाता है मेकअप। नार्स, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ऑल द टाइम फेवरेट। इसका शेड मेरा है इसमें अच्छा लाइट वन साइबेरिया। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, साइबेरिया या साइबेरिया, आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोग ऐसे ये प्रोडक्ट्स खरीदो तो प्लीज अपने शेड के मुताबिक खरीदना। ये मेरे शेड है, मेरी स्किन के मुताबिक, हर किसी की अपनी स्किन टोन होती है, तो अपनी स्किन के मुताबिक खरीदना। ये है फाह ब्यूटी की कंटूर एंड ब्लश पैलेट, और इसमें हाइलाइटर भी मिलता है आपको। ये कमाल की चीज़ है, ये मुझे वैसे बहुत पसंद है। इसमें ये दो ब्लश आ जाते हैं, ये हाइलाइटर आ जाता है, और ये आ जाता है कंटूर के लिए। और या कंटूर करो या ब्राउनिंग करो, इसका हाइलाइटर की पिगमेंट देखें, ये बहुत मजे की है। और ये पता नहीं 1800 की थी या 2500 की थी, मुझे रेट अब बिल्कुल भी नहीं याद। अब आती है काशीज की पैलेट, ये आता है O2O का, मेरा चीक्स और लिप्स के लिए O2O का पिकमी, माल की चीज़ है। इसको बस उठाओ और ये क्रीम प्रोडक्ट है, और इसको मैं अपनी चीक्स पे, आईज पे, लिप्स पे, ये तो मेरा रोज का है ना, लाइक स्किन केयर की, और ये लगा लिया। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद स्किन केयर वीडियो में। ये है जी काशीज की पैलेट। मैं आई शेडो बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, आई एम नॉट अ फैन ऑफ आई शेडो, आप लोगों ने नोट किया होगा। मेरे आंखों पर आईज मेकअप बहुत 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 कम होता है, वो आईज मेकअप मुझे इतना खास पसंद भी नहीं है, लाइक मैं बस जितना मुझे अच्छा लगता है मैं उतना मेकअप करती। ये काशीज की आई शेडो पैलेट है, ये बहुत ही अच्छी आई शेडो पैलेट है, इसके पिगमेंट्स भी बहुत कमाल है। तो ये एक मैंने ले ली थी कि भाई ऑब्वियसली शादियाँ होनी है तो हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए, बल्कि पड़ती ही है। इस पैलेट का नाम है काशीज की ड्रीम रोज पैलेट, ठीक है, ये मैंने ले ली थी। इन दी एंड मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट, जो कि मेरे मियाँ जी की तरफ से मुझे गिफ्ट है। अब ये जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कस्टमाइज करवाया था महनूर, यहाँ पे अगर आप लोग को दिखे, मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं। यह है डियोर की हाइलाइटर पैलेट, इसके ऊपर यहाँ पे मेरा नेम लिखा हुआ है महनूर, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी कस्टमाइज करवा के। अब हम इसको खोलते हैं तो ये हाइलाइटर है भी बहुत, ये पाकिस्तानी 25,000 रुपए की ये पैलेट है। ये देखें जी, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, महनूर अब दिख रहा है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी मोस्ट फेवरेट है ये। अब करते हैं इस बैग को बंद। मेरे मेकअप बैग की वीडियो हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल फाइन। जो मेरी मेकअप लवर है उनको पता होगा कि अपना मेकअप कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और मेरे लिए। ओ माय गॉड, ये बैग अपने बिल्कुल साथ रखती हूँ। हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग मरी में थे होटल में, मलाइका ने कहा कि उन्होंने ना आना था सफाई करने रूम की जो उनके होते हैं, तो मलाइका ने कहा हम बाहर जा रहे हैं मेकअप बैग रूम में छोड़ जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेकअप बैग तो साथ जाएगा मुझे इतना, मतलब मैं कहती हूँ वही मेरी मेकअप की कोई चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और इसको मैं हमेशा सेट रखती हूँ। मुझे मेकअप बहुत पसंद है, खरीदना भी, इकट्ठा करना भी, डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो हाइलाइटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लश। So I hope you like the video. Don't forget to like, comment and follow me on Instagram. Follow me on TikTok, subscribe to my YouTube channel. Yes, subscribe. बिल्कुल यहाँ नीचे ही बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।